तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विजुअल स्टूडियो के जाते हैं हम लोग कोडिंग करने के लिए इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं और मॉड्यूल्स में हम कोडिंग करते हैं। हमने आपको मैक्रो नेम के बारे में बताया था कि हम मैक्रो नेम इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इसमें हम जो भी लिखना लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, कैसे हम जज करेंगे इसके अंदर किसके लिए क्या कोड होगा, किसके लिए क्या कोड हो ये कैसे हमें पता होगा। देखिए एक्सेल के अंदर में जो मोस्टली कोड होता है ना वो चार वर्ड से ही स्टार्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन रेंज और एप्लीकेशन के बाद आएगा वर्कबुक, उसके बाद आएगा रेंज, उसके बाद आपका आएगा रेंज नहीं माफ कीजिएगा रेंज लास्ट में सीट्स। तो मोस्टली हम चाहते हो कि अगर हमें कोई सेटिंग वेटिंग करना हुआ तो हम एप्लीकेशन की सेटिंग करते हैं, अगर हमें कोई वर्कबुक मतलब कि डिजाइन करना हुआ तो वर्कबुक यूज करना हुआ, वर्कबुक पे से वैकू ऐड करना डिलीट करना सब ट्रैक करना डिलीट सब चीज़ें करनी हो तो हम वर्कबुक यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर शीट पे काम करना हो तो हम शीट्स यूज करते हैं, रेंज पे काम करना हो रेंज काम करते हैं। तो आप जो काम करने वाले हो वो काम जो है वो उससे क्या इफेक्ट है वो डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा कोड स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए आप कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको डिजाइन करना है एल्गोरिथम। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के चार या पांच स्टेप है। सबसे पहले है एनालिसिस, एनालिसिस उसके बाद आता है आपका एल्गो। देन आता है आपका कोडिंग, उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग एंड देन अप्लाई। ये आपके प्रोग्रामिंग का स्टेप है। एनालिसिस मतलब कि आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, मतलब कि जो आप रिपोर्ट से जो ऑटोमेशन आप करते करना चाहते हो उसको आपने एनालाइज किया, को क्या है कैसे है किस तरह से यूज होगा वो आपने इसका एनालाइज किया। एल्गोरिथम मतलब कि उसका स्टेप तैयार किया कि किस स्टेप से आपका काम होगा, फिर आपने उसकी कोड की, फिर उसको आपने टेस्ट किया, देन फाइनल उसमें आपने अप्लाई किया कि हाँ दिस इज रेडी। तो चलिए इसी चीज को आज हम फॉलो करते हैं। एनालिसिस की बात हम करें तो जैसे कि आपको कैसे क्या करना है, जैसे आपने बोला कि सुजीत जी मुझे फलाने फाइल बनाना है, तो हम आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे और किस तरीके से क्या करना है उसके बारे में हम समझेंगे, फिर उसका हम स्टेप तैयार करेंगे कि किस स्टेप से करेंगे, फिर उसी स्टेप के आधार पर हम कोडिंग डिजाइन करेंगे और फिर कोडिंग को टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक छोटा सा टेबल यहाँ पर क्रिएट करना है, तो हमने एनालाइज किया कि मुझे यहाँ नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मार्क्स लिखना है, फिर इसको एरिया सेलेक्ट करना है, इस पर अप्लाई करना है। अब इसका मैं स्टेप तैयार करूँगा एल्गो। एल्गो में यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट, मतलब कि माइक्रो डिक्लेरेशन, फिर होगा सेलेक्ट A1, एंटर नेम, सेलेक्ट B1, एंटर रोल, सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। इस तरह से हम एल्गो तैयार करेंगे। अब इस एल्गो के बिहाफ पे हम कोडिंग करेंगे, स्टार्ट किया यहाँ पे कि सब्जेक्ट। तो पहला काम क्या करा कि सेलेक्ट A1, A1 क्या है मेरा रेंज है, इसलिए हम यहाँ पे रेंज के स्टार्ट करेंगे कि रेंज, तो हमें पता चल गया कि हमारा रेंज ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेंज के लिए हम किसी अगर पर्टिकुलर सेल पे काम करना है, सेल से रिलेटेड हमें कोई एक्शन परफॉर्म करनी है तो वर्क रेंज का होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट।
एक्टिव सेल डॉट वैल्यू अब बोलो सर एक्टिव सेल क्यों किया। तो देखिए रेंज जो ऑब्जेक्ट चार दिया गया है मतलब ये फाइनल नहीं है, इसके भी सब ना उपनाम है, जैसे कि रेंज एक्टिव सेल भी रेंज का ही रेंज ही एक तरह से है, लेकिन एक्टिव सेल वहाँ रेंज वहाँ पे यूज करते जहाँ पे फिक्स हो, एक्टिव सेल वहाँ पे यूज करते जहाँ पे हमारा रेंज फिक्स ना हो। सेल इतना पता है कि एक्टिवेटेड सेल है, तो जहाँ पे एक्टिवेटेड सेल है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। हाँ ये ए वन पे सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे हमने बोला कि भाई एक्टिव सेल डॉट वैल्यू नेम, ऐसे में डायरेक्टली वहाँ पे रेंज वहाँ ए वन डॉट वैल्यू को नेम कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको एक्टिव सेल का मेथड समझाना था इसलिए मैंने बताया आपको। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कौशल जी मैं सुन नहीं पाया आपको, एक्टिव सेल का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना, क्लिक कर दिया, बट ये क्लिक ही माइक्रो के जरिए नहीं है, किसी और जरिए की चीज़ के जरिए हुआ है। तो हमें नहीं पता है कि हमें इससे मैंने पता है कि कर्सर कहाँ है, हमें पता है जहाँ पे कर्सर वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो एक 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 कोड क्या कर रहा है, इस पर अप्लाई कर रहा है, तो पहले कोड ने क्या किया सेल पर चला गया, तो दूसरे कोड को सेल से नाम देते कि पहले पहले सेल जा चुका है, पहला बंदा काम कर चुका है, अब तो जहाँ पे कर्सर वहाँ पे काम कर, रेंज से कोई मतलब नहीं तुम्हें, ये हमें यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं। तो हमें बोला पहले कोड ने बोला रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट, दूसरा कोड क्या कर रहा है एक्टिव सेल, जो सिलेक्शन होगा ऊपर वो सिलेक्शन करेगा, नीचे वाला कोई हम रेंज देने की जरूरत नहीं, नेम कर यहाँ पर रोल नंबर कर देंगे। ये आपको सिलेक्शन में आपको समझाऊंगा तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम एल्गोरिथम को समझ रहे हैं, हमने क्या किया नेम रोल मार्क्स, अब मैं इस पर रन करता हूँ, ठीक रन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एनालाइज किया, फिर एल्गोरिथम तैयार की, फिर मैं उसकी कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, देन हम बता दें। तो ये जरूरत क्यों है, बोले सर की जरूरत क्या है डायरेक्टली अप्लाई कोडिंग क्यों निकले। देखिए अगर आप अपने लिए मैक्रो बना रहे हैं और आप उसी काम को डेली कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और के लिए मैक्रो बना रहे हो तो सबसे प्रॉब्लम है कि उसका उसके क्या काम है क्या प्रॉब्लम है तो पता नहीं है आपको, क्या सर। इसलिए हम क्या, जब मुझे कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि मेरे लिए मैक्रो बना दो तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ बोलता हूँ कि सर बताइए आपने आपके इस रिपोर्ट को कैसे बनाते हो, फिर उसके स्टेप्स को तैयार करता हूँ, स्टेप्स के साथ डिस्कस करता हूँ कि सर यहाँ पे जाते हैं फिर यही करते हैं, अच्छा इसके बाद ये भी चेक करते हैं तो नहीं, अच्छा इस चेक होने पर क्या करते हैं, इस तरह से उसका डिस्कशन करते हैं और उस सारे इसको स्टेप्स को हम नोट पैड में लिख लेते हैं, फिर उसके भी हाथ में हम कोडिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर जहाँ पे एरर होती है वो एरर को सॉल्व करके देन अप्लाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि मैं पता चल जाए इसमें कोई एरर है या गलत रिपोर्ट रिजल्ट दे रहा है उसको सुधारा जा सके, ठीक है। तो एरर के बाद आता है कोड कंसेप्ट। अब जैसे कि ये जो आपके पास चार आपने बताया चार जो ऑब्जेक्ट है जिसे इसको बोलते हैं पिलर ऑफ ए बोलते हैं आपको VVM प्रोग्रामिंग, अब इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन क्लोज RR स्लैश वन कर देते हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन छोड़ते हैं, मैं वर्कबुक की बात करता हूँ। तो अगर आप बात को प्रोग्राम में लिखते हो तो कैसे लिखो, जैसे मान लीजिए मुझे करना है मेरा एल्गोरिथम कर रहा है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कबुक क्रिएट करना है तो ये किस पे इफेक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर वर्कबुक इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा कोड का पहला वर्ड जो होगा वो वर्कबुक होगा, वर्कबुक्स डॉट एड,
सिंपल सा लिखना है कि वर्कबुक्स डॉट ऐड, लेकिन मैं बोलता हूं कि सेव, दिस फाइल एट डी ड्राइव एज ए वन डॉट एक्सएलएस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए अब यहां पे क्या कर सकते हैं, अब यहां पे जो वर्कबुक सेव करने का होता है, तो कैसे प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, उससे वर्कबुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है कि भाई इसमें एक पर्टिकुलर फाइल करना है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखना पड़ेगा और उसका इसको एक्शन होता है। और इस एक्शन का डिटेल है कि डी ड्राइव में जाओ स्लैश 123 डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, ये आपका एक्शन है कहाँ और क्या करना है, बस दो ही चीज होता है यहां पे, देखिए कहाँ क्या करना है, तो रेंज A1 को सिलेक्ट करना है, एक्टिव सेल की वैल्यू चेंज करनी है। तो इसी तरह से हम कमांड देते हैं कि किस पे और क्या करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस ये होता है कि हमारे काम मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए मुझे वर्कबुक वन को सेव एज करना है डी ड्राइव में, तो लंबा क्वेश्चन से सारी डिटेल डालना पड़ेगा, तो ये वर्कबुक इसके यहाँ डाल दिए और सेव एज यहाँ पे, लेकिन इसके साथ ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर फाइल को सेव कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करना है कि जो क्रिएट की गई फाइल है उसको सेव एज करना है, जो फाइल क्रिएट हुई है उसको सेव एज करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पे डालेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। एक्टिव वर्कबुक क्यों किए, जैसे आप एक्टिव सेल था ऐसे एक्टिव वर्कबुक होता है, तो जब भी हम फाइल ओपन करते हैं ना, तो क्या होता है, जब भी हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन कर दिया, तो एक नई फाइल जो क्रिएट होती है वो एक्टिवेटेड होती है, तो हमें इससे हमें ऊपर वाले कोर्स में प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि ये बुक वन फिक्स था, हर बार बुक वन तो नहीं आएगा, सेकेंड टाइम बुक टू आएगा, थर्ड टाइम बुक थ्री आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया वर्क, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक कर दिया, ताकि जो भी वर्कबुक ऐड हो, लेकिन हमें पता है कि जो वर्कबुक ऐड होगा वो हमारा एक्टिव होगा, हम उसी फाइल को सेव कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम डेट कर देते हैं, किसी भी कोड को डेट करने का सिंगल कोड आपको इसके आगे लगा देना है, आपका डेट हो जाएगा। ऐसे आपको वर्कबुक को ओपन करना है, तो वर्क बुक्स डॉट ओपन, और जो फाइल ओपन करना है जिस ड्राइव से, वो ड्राइव का कोड यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ ड्रॉप बॉक्स तो एज ए ड्राइव होता है ना, तो फिर सर ड्राइव का लोकेशन होगा आपका, ड्रॉप बॉक्स जहाँ सेव, जहाँ कहाँ पे सेव है ना, उसका लोकेशन देना होता है। देखिए ड्रॉप बॉक्स जो सेव होता है ना, आप डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स खोलते होंगे, ड्रॉप बॉक्स होता है आपके इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर में, तो ये आप इसका पाथ देते होंगे ना, लेकिन यहाँ से इसका पाथ देते, देखिए ये पाथ होता है, इसके साथ आपको देना है पाथ कंप्लीट। मान लीजिए मुझे डीवीडी ओपन करना है, तो ये जाएगा यहाँ पे वर्कबुक डॉट ओपन, और डी ड्राइव के अंदर ये पूरा सी ड्राइव यूजर्स सृष्टि ड्रॉप बॉक्स, इसके अंदर में डीवीडी, इस तरह से ऐसे आपको वर्कबुक क्लोज करनी है, तो यहाँ पे वर्क बुक्स, अब कौन से बुक्स क्लोज करनी है तो उसका यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर बुक को क्लोज करना है ना हमें, बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट क्लोज,
और यहाँ पे हम ट्रू देंगे। ट्रू क्यों देंगे? ट्रू इसलिए देंगे ताकि हमारा ए हो, मतलब कि सेव हो। जब भी कोई फाइल बंद करते हैं ना, देखिए जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं ना, तब उससे पूछता है ना यस नो, डू यू वांट टू सेव चेंज, यस या नो, यस पे क्लिक करना है ट्रू, नो पे क्लिक करना फॉल्स। तो वर्कबुक को क्लोज कर, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। जस्ट फाइल को जस्ट सेव करना है तो आप जस्ट डॉट सेव, सेव एज मीन जस्ट आप सेव कर दीजिए। सेव से क्या होगा? जस्ट सेव होगा, ठीक है। ऐसे ही वर्कबुक ओपन, जस्ट ओपन होगा, क्लोज क्लोज होगा। यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव कराया मैंने। हाँ नहीं, एक ही नहीं, जो आप आपके ऊपर फाइल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप कंट्रोल लेंगे तो उसमें फाइल आपका क्या आता है। ए बुक वन तो आपका फाइल नेम हुआ ना सर, सीट नेम तो नहीं हुआ, आप फाइल ऐड कर रहे हो, नई फाइल क्रिएट कर रहे हो। तो इसे वर्कबुक ओपन कर लिया, वर्कबुक क्लोज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है वर्क बुक्स। एक पर्टिकुलर वर्क बुक्स दे दीजिए या फिर एक्टिव वर्क बुक कर लीजिए, वो आप मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आप पासवर्ड डाल दीजिए। ये प्रोटेक्ट कौन सा करेगा? वो आपका करेगा इसमें, आपका जो इसमें होता है ना रिव्यू के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, उस पर करता है। दूसरा, अगर आपको ओपनिंग पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। अब बोलो कि यहाँ पे सर कि ऊपर तो मैंने सब जगह स्पेस डाला है, यहाँ पे हमने इक्वल क्यों डाला? देखिए जो यहाँ पे जो एक्शन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जो आप काम करना है, तो एक्शन जो होता है वो एक्शन दो तरह का होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो एक्शन दो तरह का होता है, एक होता है मेथड, एक होती है प्रॉपर्टी। तो मेथड में हमेशा स्पेस डालता है, प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल डालता है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो मेम्बर आपका है, जो ऑब्जेक्ट का एक्शन है, वो आपका ये मतलब कि ऑब्जेक्ट है या फिर सॉरी मेथड है या फिर आपका प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप डॉट लगा के करते हो ना पासवर्ड, जैसे कुछ भी लिखते हो, जैसे लिख दिया प्रोटेक्ट, तो ये ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? मेथड है। तो इसमें आपको स्पेस मारना होगा, या फिर जैसे स्पेस आप मारोगे ना तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेस ही डालना है। लेकिन अगर हम पासवर्ड में बात करें तो प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में देखिए हैंड का निशान है, इसका मतलब कि प्रॉपर्टी है, किसको आपको इक्वल देना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा चीज क्या है, स्पेस मारते स्पेशन नहीं आएगा तो आपको इक्वल देना पड़ेगा। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है सर। तो आप पासवर्ड डाल दीजिए तो ये ओपनिंग पासवर्ड डल जाएगा। तो फाइल को ऐड करना सीखा, फाइल को सेव, सेव है आपको, फाइल को प्रोटेक्ट करना सीखा, फाइल को क्लोज क्लोज करना सीखा आपने। अब फाइल को आप एक फाइल से दूसरे फाइल, जैसे आप मान लो बुक वन पे है, मुझे बुक टू पे जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे होगा दो दो कोडिंग है, वो है एक है आपका वर्क बुक्स, यहाँ पे आप जिस फाइल पे जाना चाहते हैं उसका नाम या फिर उसका सीरियल, उसका नंबर, सीरियल नंबर, जैसे कि यहाँ पे आपका दूसरा नंबर है ना, तो दो, या फिर पर्टिकुलर फाइल है तो फाइल का नाम डॉट एक्टिवेट, या फिर दूसरा है विंडो, और यहां पे भी नंबर दे दीजिए, या फिर यहां पे फाइल नेम, इस पे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है आपको, डॉट एक्टिवेट। तो ये जो विंडोज है वो कहां से वर्क करता है? वो आपके व्यू के अंदर स्विच विंडो होता है ना, यहां से वो काम करता है, ठीक है। तो वर्कबुक को समझ गया। अब बोलो कि सर वर्कबुक में और भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को जानने का मतलब कि आप डॉट डालते हो तो बहुत सारे मेंबर्स आते हैं ना आपके, मुझे सारे मेंबर्स के बारे में जानना है।
तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, आप यहाँ F1 जो होता है उस पर प्रेस कीजिए, या जो हेल्प होता है उस पर हेल्प पे प्रेस कीजिए, या F1 प्रेस कीजिए, किस पे, विजुअल बेसिक एडिटर के ऊपर। तो आपको एक्सेल VBA का एक्सेल हेल्प खुल के आएगा, उस पर यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, इस पर चले जाइए और यहाँ ऊपर में आपको यहाँ पे देखिए सारे मेंबर्स हैं इसमें, तो आपको क्या है वर्क बुक है, तो वर्क बुक पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ऊपर दिखेगा जिसमें वर्क बुक को कैसे फॉलो किया जाता है वो डेफिनेशन है, और नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंबर, वर्क बुक ऑब्जेक्ट मेंबर, जो डॉट दबाने जो चीज़ें आती है उसका पूरा लिस्ट है। इसे तीन पार्ट है, एक है आपका एक्शन, दूसरा है आपके मेथड, दूसरा है आपकी प्रॉपर्टीज। इस पर क्लिक कीजिए, इसके कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़, हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लाना है दोबारा बता देता हूँ, आप एक्सेल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे F1 पे क्लिक कीजिए, और जो हेल्प आएगा इसके ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे चले जाइए, होम पे आके, अगर होम नहीं हो तो होम पे चले आइए, या फिर आपको ना दिखे तो यहाँ से आप ऑफलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। शो फॉर्म कंप्यूटर, और यहाँ पे एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, और यहाँ पे अपने वर्कबुक को फाइंड कीजिए, वहाँ पे चले जाइए, ठीक है।